भाई एक टूथपेस्ट और दो नहाने का साबुन जरा जल्दी। जी एक मिनट। अरे बेन आप तो बहुत लकी निकली, जबरदस्त किस्मत है आपकी। जी मैं समझी नहीं। अरे पर मारे तो यकीन नहीं था तो क्या आप अब भी मेरी छोटी सी दुकान पर आई हो? मुझे लगा कि लॉटरी जीतने के बाद तो हाँ हम उन लोगों में से नहीं है जो लॉटरी लगने के बाद बदल जाए। हम तो वैसे ही है जैसे पहले थे। केम किंजल ये तो बहुत अच्छी बात है भाभी, वरना आजकल तो बेपैसा आव्या नहीं कि दिमाग खराब। ना ना हम ऐसे नहीं है। अरे इतने बरसों से राजपाल नगर में रहते हैं हिल मिल के, हमारे बदलने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जरा जल्दी सामान दीजिए। ये लीजिए। वैसे तमे खातरी रख जो हम कभी नहीं बदलने वाले। हाँ फाई ये आप क्या बोले जा रहे और क्या हो गया है आपको? जय श्री कृष्ण। चल जल्दी से रिक्शा पकड़ और घर चलते हैं, बहू आ थक गई। हाँ राशि शु खबर, अहम निकला या नहीं? हाँ मम्मी अहम जी जू तो गए और उनके बाद जिगर जी भी रिक्शा से चले गए। बेचारे जिगर जी वो तो गाड़ी में भी जा सकते थे लेकिन ठीक है तू उनकी चिंता मत कर। पहले ये बता कि ये बात को सुन के तेरी सास को कोई फर्क पड़ा? हाँ मम्मी फर्क बहुत पड़ा, मम्मी जी को बहुत बुरा लगा। मम्मी पता है कागड़ी ने रिक्शे की बात सुनकर क्या बोला कि जिगर जी की इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जिगर गया रिक्शा से तो क्या हुआ, और भी तो लोग जाते हैं। इस पे मम्मी जी ने फौरन ही उल्टा जवाब दिया, उन्होंने कहा कि लोग जाते होंगे लेकिन बीमारी के हालत में नहीं। हाँ। और उन्होंने कहा कि जिगर को बुखार है, ये कह के वो फौरन ही चली गई। हैं? नानी सासू एम बोली? मम्मी जैसे ये बात सुनकर आपको हैरानी हो रही है, मम्मी जी को जवाब देते हुए सुनकर मुझे हैरानी हो रही थी। लेकिन सच कहूँ तो जिगर जी को रिक्शा से जाते हुए देखकर मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन जो हुआ वो अच्छा ही हुआ, एक तीर से दो शिकार हो गए। बहुत सरस दिख रहा, बहुत सरस तीर एकदम निशाने पे लगा है। हाँ मम्मी। मम्मी वैसे जो दरार हम काकी जी और मम्मी जी के बीच में डालना चाहते थे मुझे लगता है वो दरार पड़नी शुरू हो गई। बस अब तू इस दरार को धीरे धीरे कोई भी परिस्थिति में इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकती है। हाँ मम्मी लेकिन इसके लिए मैं क्या करूँ? जो दिख रहा एक बार अनबन के बीज बढ़ जाते हैं तो कांटे उगने में देरी नहीं लगती। अब तू देखना कुछ न कुछ खटर पटर तो चलती ही रहेगी, बस तू मुझे खबर देती रहना, मैं तुझे बताती जाऊंगी तुझे क्या करना है। बस तू एक बात आज पल्लू में बांध ले। अब तुझे हेतल बेन को ये एहसास कराना जरूरी है कि जो स्थान घर में अहम और उस गवार गोपी का है वही स्थान जिगर जी और तेरा होना चाहिए। हाँ मम्मी। लेकिन एक बात याद रख जे, तू जो भी करे गुपचुप करती रहना, किसी को भी भनकना पड़े। जी अच्छा चलिए मैं फोन रखती हूँ, मुझे किचन में काम है। ठीक है मुझे भी व्यायाम करना है, आज बाजार चली गई थी तो व्यायाम ही छूट गए। ठीक है मम्मी हम बाद में बात करते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे बकुल बहन आपका भाई, वैसे अच्छा ही किया आपने आके ही एक्सरसाइज शुरू कर दी, क्योंकि आखिर आपको कितना वजन भी घटाना है। आहूं छू सॉरी भाई, आई एम रियली वेरी सॉरी। आपको देखकर अंदाजा ही नहीं लग पाया कि ये आप हैं। पर एक बात कहो,
आपको अपने स्लिमिंग सेंटर में सबसे पहले आपको अपना ही वजन घटाना चाहिए। और कोई बात नहीं, मैं आपको ट्रेन करूंगी अब डिस्काउंट में। आखिरकार आप मेरी फई सास जो। फई, अगर आप बोले तो मैं आपसे एक बात पूछूं। हूं ना पाड़ीश, फिर भी तू तो बोलेगी ना। एक्चुअली आई एम सरप्राइज्ड कि उस जनरल स्टोर वाले से आपने कहा कि हमने ये लॉटरी का टिकट जीता। और आपको जीत कर कितना वक्त हो गया, पर एक बार भी अब तक आपने अपनी जीत में मेरा नाम कभी शामिल नहीं किया। मगर ये पहली बार आपने अपनी जीत में मेरा नाम भी शामिल किया, तो एकदम अचानक क्यों? अरे अब तुझे इस बात पे भी प्रॉब्लम है कि मैंने बाहर वालों के सामने लॉटरी की जीत में तेरा नाम शामिल किया? अरे किया तो इसमें गलत क्या किया? हाँ, एक तो नाम शामिल करो और ऊपर से मुझे ही सुनाती। पर फई, आपने नाम बांटा, इनाम नहीं बांटा। अच्छा ये बता कि ये दुकान वाले क्या इस बात की भी लिखा पढ़ाई करते हैं कि लॉटरी किसने खरीदी? आप ये क्यों पूछ रहे? मैं तो बस ऐसे ही। अरे कल रात को मैंने वो पिक्चर देखी थी ना, तो उसमें भी कुछ ऐसा ही था, और मुझे लगा कि ऐसा थोड़ी होता है। हाँ आप ठीक तो है ना? लगता है ये खींचतान वाली व्यायाम में कुछ गलती हो गई है। एक काम कर, जाके बाम ले। अरे खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जाना बाम लेकर आना। अगर इस छोटी कागड़ी को खबर पड़ी गई तो आज तुम्हारा प्राणच पी जैसे। शुक्र करो। नहीं नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अरे वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। राशि, ये खिचड़ी मैं जिगर के लिए बना रही हूँ। जिगर की जब तबीयत ठीक नहीं होती है तो खिचड़ी के अलावा कुछ नहीं खाता। तुम एक काम करो राशि, ये खिचड़ी बन गई है, इसे टिफिन में भर दो और उसके लिए ऑफिस भिजवा दो। जी। राशि, मोटा भाभी अपने कमरे में है? हाँ शायद। आपको उनसे कुछ काम था? मुझे तुम्हें जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। साथ